नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत संक्रमण से जीत रहा है, रिकवरी रेट 25% पर पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटा में 1780 नए केस आए हैं, वहीं 24 घंटा में 630 लोग ठीक भी हो गए हैं। टोटल रिकवरी रेट 25% है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम सभी के लिए यह सकारात्मक संदेश है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज लगभग सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 1 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य व दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा व गरज के साथ वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले कुछ घंटों में पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ तथा दुमका में गरज के साथ बारिश होगी। झारखंड में चलेगी विशेष ट्रेन। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मजदूरों और छात्र छात्राओं को घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह रेल मंत्री पीयूष गोयल से की है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर आग्रह किया है कि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम बाहर फंसे मजदूरों को बस द्वारा ला सके। हालांकि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मजदूरों व छात्र छात्राओं को सड़क मार्ग से ही ले जाया जा सकेगा। झारखंड में 4 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें गोड्डा से 1, 2 हिंदपीढ़ी तथा 1 रिम्स आइसोलेशन वार्ड से है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 107 से बढ़कर 111 हो गई है, जबकि कुल 19 लोग ठीक हुए और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 34,149 है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए रांची में 15 IAS अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया है। सभी अधिकारियों को अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को घर वापसी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। सभी अधिकारी नोडल अधिकारी की भूमिका में लोगों को वापस झारखंड लाने में मदद करेंगे। मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में अमरेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे, जिसमें महाराष्ट्र में फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ नोडल अधिकारी इस प्रकार हैं: दिल्ली में फंसे मजदूरों के लिए विनय कुमार, कर्नाटक, असम व गोवा के लिए अजय कुमार, तमिलनाडु MP के लिए अविनाश कुमार, तेलंगाना के लिए राहुल शर्मा, गुजरात के लिए कमल किशोर व उड़ीसा के लिए राहुल पुखराज हैं। पारा शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ेगा, केंद्र ने दिया 500 करोड़ रुपया ज़्यादा। खबरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 500 करोड़ रुपया अधिक है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने केंद्र सरकार से पारा शिक्षकों के वेतन में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, जो कि केंद्र ने मानदेय में बढ़ोतरी की स्वीकृति नहीं दी है। बुधवार को राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष बजट प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अनुशंसा पर रिम्स निदेशक के इस्तीफा दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रिम्स निदेशक डॉक्टर DK सिंह का चयन दूसरे संस्थान में हो गया है। वे वहां जाने के लिए सरकार से अनुमति चाह रहे हैं। यह राय है कि रिम्स निदेशक ने दूसरे संस्थान में जाने की इच्छा जताई है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर या छात्र जो घर वापसी के लिए सक्षम हैं, वे 3 मई के बाद गाड़ी बुक कर अपने घर लौट सकते हैं। उन्हें सबसे पहले DC के पास आवेदन देना होगा। जो जहां है, जिस राज्य में है, वहीं के स्थानीय DM से इंटर स्टेट पास इशू करवाना होगा। DM से इंटर स्टेट पास इशू होने के बाद वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर जा सकते हैं। JPSC ने 3822 अभ्यर्थियों का अंक किया जारी। खबरों के अनुसार JPSC ने 6ठी सिविल सेवा नियुक्त मुख्य परीक्षा में सम्मिलित सभी 3822 अभ्यर्थियों का अंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर अपना अंक देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी का भी नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गरीबों को नहीं मिल रहा है राशन। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल ने कहा कि राज्य में 6.5 लाख लोग के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र लिखकर कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले भी ध्यान दिलाया है, लेकिन इसको लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल गया है।
4 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी। खबरों के अनुसार 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद 4 मई से भारतीय रेलवे कुछ बदलावों के साथ देश के कुछ राज्यों में ट्रेन के परिचालन की तैयारी में जुट गया है। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि रेलवे के कर्मचारियों को वर्क प्लेस पर लाने ले जाने के लिए स्टाफ शटल को सैनिटाइज किया जाएगा। रेलवे के कुछ मंडलों में मॉक ड्रिल भी किया गया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यात्रियों को बैठाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी मजदूर घर वापस लौटेंगे, ऐसे में उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इस बैठक में सीएम के साथ कई मंत्री भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों के घर तक पहुंचेगी किताबें। उन्होंने बच्चों के बीच किताबें बांटने का निर्देश दिया है। राज्य में लगभग 34 लाख बच्चों को किताबें दी जानी है। विद्यालयों को प्रखंड मुख्यालय से किताब ले जाना होगा। सभी प्रखंड मुख्यालय तक किताबें पहुंचा दी गई है। ऐसे में स्कूल खोलने से पहले बच्चों तक किताबें पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि 15 जून से विद्यालय खुलेंगी। हाई कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने व मास्क तथा सैनिटाइजर का हो रहे कालाबाजारी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि राज्य सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे, इस पर जो भी व्यक्ति हैंड सैनिटाइजर व मास्क अधिक दर पर बेचने की शिकायत करता हो, सरकार त्वरित व सख्त कार्रवाई करे। झारखंड में लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ाने का मिला स्पष्ट संकेत। खबरों के अनुसार देश भर में जारी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे कई जिलों में सेवाओं और लोगों को पर्याप्त ढील देते हुए बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि 3 मई तक सख्ती से पालन करना था। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को किया अनफॉलो। खबरों के अनुसार व्हाइट हाउस ने कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ट्वीट अकाउंट पर फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद उसने अब अनफॉलो कर दिया है। व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को संक्षिप्त समय के लिए फॉलो करते हैं, ताकि वे यात्रा के समर्थन में उनके संदेशों को रीट्वीट कर सके। वहीं राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस के अनफॉलो करने पर नाराजगी जताई है। सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि मजदूरों को लाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाहर फंसे लोगों को अपने अपने राज्य जाने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर राज्य विचार करेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को लाया जाएगा। प्रवासी मजदूर को लेकर सरकार पहले ही कमेटी बना ली है। उनकी स्वास्थ्य जांच से लेकर रहने खाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। रांची के हिंदपीढ़ी में तैनात 150 पुलिसकर्मी भेजे जाएंगे क्वारंटाइन में। खबरों के अनुसार हिंदपीढ़ी में ड्यूटी में तैनात 150 CRPF को क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। उसके स्थान पर दूसरे 150 CRPF तैनात किया जाएगा, जो पूर्व में क्वारंटाइन में भेजे गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान और पलामू प्रमंडल के संसद विधायकों से की बात। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सांसदों एवं विधायकों के साथ संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे राहत कार्यों एवं रणनीति पर विचार विमर्श किया। पशुपालन विभाग अंतर्गत गठित एजेंसी JSIA होटवा रांची में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को अक्टूबर 2019 से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। वे 7 वर्षों से कार्यरत हैं। 7 माह का भुगतान नहीं मिलने से वे परेशान हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री से ट्रेन चलाने का किया आग्रह। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से फ़ोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर लिखा, रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई, जहां मैंने उनसे आग्रह किया है कि रेल परिचालन शुरू करें, ताकि हम जल्द से जल्द सभी राज्यों में फंसे छात्र समेत 5 लाख मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर राज्य वापस ला सके। अमेजन और फ्लिपकार्ट ने घर घर सब्जी व दूध पहुंचाने के लिए देसी वर्जन लॉन्च किया।
लॉकडाउन में लोगों तक आवश्यक सामग्री की सप्लाई की व्यवस्था के लिए देसी ऑनलाइन रिटेल व्यवस्था पर काम कर रही है। अमेजन और फ्लिपकार्ट का यह रूलर वर्जन होगा। मजदूरों के सहायता हेतु बना मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप पर मिले मजदूरों के 35,000 आवेदन जिला स्तर से रद्द कर दिया गया है। सहायता राशि नहीं मिलने की वजह से संबंधित मजदूर कंट्रोल रूम में फोन कर अपना आवेदन रद्द होने का कारण पूछा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या से निपटने के लिए मजदूरों को सहायता देने हेतु आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले आवेदन की तिथि 29 अप्रैल तक थी। गोड्डा जिला से एक नए संक्रमित मरीज का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन पूरी सख्त हो गई है। संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वही संक्रमित व्यक्ति के आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है व उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दी गई है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए। ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे पिछले 3 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में उनकी पत्नी नीतू कपूर पहुंची, वहीं उनकी बेटी रिधि कपूर अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।